गुड आफ्टरनून प्रेस, नमस्कार, स्वागत है आप सबका, सब गेस्ट का। थोड़ा सा हमारा डिले हुआ है, इसके लिए माफी चाहती हूँ, पर अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं आपको इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगी। चार फुटिया छोकरे, ये नाम क्यों रखा गया? कैन आई रिक्वेस्ट पीपल टू बी क्वाइट प्लीज, थैंक यू। अब क्या है ना, मैं अगर बनी तो थोड़ा तो मुझे सेलिब्रेट करना पड़ेगा प्रेस को, अभी रेगुलर है ये। तो इस फिल्म की कहानी का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को देना चाहूंगी। चार फुटिया छोकरे, चार फुट ऊंचे लड़के। हमारे नॉर्थ में आज भी कई गांव में बच्चों को क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैसा देके उनसे मर्डर्स कराए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का फ्लैश ट्रेड होता है, उनको गांवों से उठा करके शहरों में भेज दिया जाता है ब्रॉथल्स में। तो इस इशू के आसपास बेस्ड है ये। डीपी पे शूट करना पड़ रहा है, आगे चलेंगे, फिर आगे जाके क्या लाइट बढ़ जाने वाली है, कौन सा कैमरा लाता है। फर्स्ट आई विल रिक्वेस्ट संतोषी जी टू स्पीक समथिंग अबाउट मनीष, ही हैज जस्ट सीन अ लिटिल बिट ऑफ हिज वर्क। नमस्कार मनीष, जैसे कह रहे हैं कि आपसे बहुत अच्छे काम करते हैं, व्हाट एवर आई हैव अंडरस्टूड अबाउट हिम, वेरी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, ऑनेस्ट। एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस फिल्म एंड आई सॉ द फुटेज, सिक्योरिटी फुटेज ऑल्सो, what I appreciate is that he has made a very sincere, honest film, a bold film. Because everybody wants to make a shortcut for success, they all like to make all kind of comedy, sometimes not a sensible comedy, another comedy also, people attempt it just to grab attention. And under these circumstances, a man coming up with a very purposeful, hard-hitting film, and not by a boring film, it seems to be very interestingly told, engagingly told. That is always a good thing about it. And I wish the film succeeds in a very big way. As I know, Manish was also contacted the producers who have stood with him on this subject and stood all the way and supported him to realize his dream and make this film possible. So my heartiest congratulations to the producers and Manish and the entire cast and the team for Chhokre. Thank you, sir. I will request Vibha ji to talk about this subject, because Vibha ji hamesha women centric subjects ki taraf zyada jaati hain. To unse mere jo baaki the usme unhone reason yahi bataya ki औरत की स्ट्रेंथ, उसकी मल्टीटास्किंग, किस तरीके से वो सिचुएशन को फेस कर पाती है विदाउट शोइंग मच ऑफ एग्रेशन इन ऑल, सो लेट अस हियर फ्रॉम हर। और जिस तरह से उन्होंने काम किया, आई डोंट थिंक, आई मीन
flowing water. Yeah. Okay. Iska look at close. मैं इस फिल्म को लेके बहुत एक्साइटेड रहा हूँ शुरू से, क्योंकि ये मेरी एक की फिल्म नहीं, हम सब लोगों की फिल्म है. सोहा मैम, शंकर, आदित्य, बेसिकली मनीष सर ने जितनी इस फिल्म पे मेहनत की है वो आज ट्रेलर देखने के बाद सब लोगों को पता ही लग गया होगा, क्योंकि कोई भी देख के कह सकता है कि इनकी फर्स्ट फिल्म ही होगी. उन्होंने बहुत बहुत एक्सपीरियंसड हैं और मैं बहुत कई दिन से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अवधेश बनाया और इस फिल्म में काम करने का मौका दिया. कोई भी हम रूरल एरिया के गांव की बात करो, जो करेक्टर हम लेवा आते हैं, बहुत मुश्किल कितना टफ होता है जब जिस तरह के टफ. तो मुझे बस थोड़ा बिहारी एक्सेंट पकड़ने में हुआ था, बाकी जो फिल्म का करेक्टर है मैं टपोरी दो तीन फिल्मों में पहले भी कर चुका हूँ, जिस तरीके का चाल ढाल है. तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मुझे कुछ चीज़ टफ लगती है, मैं हमेशा एज अ कॉम्पिटिशन लेता हूँ कि हाँ मुझे सामने वाले को, मैं अपने करेक्टर को भी बीट करना चाहता हूँ, उससे आगे जाना चाहता हूँ. तो जिस तरीके का फिल्म है, मतलब मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता, शंकर है, आदित्य, इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है. दे आर लाइक माई टू हैंड्स इन द फिल्म. और बहुत मेहनत की, और सोहा मैम और इन सब लोगों ने. सोहा मैम बहुत ब्रिलियंट एक्टर हैं और उनके बारे में क्या कहूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उनसे. एक महीना साथ में रहे हम लोग, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत सीनियर हैं और मैं उनसे बहुत जूनियर हूँ. उन्होंने मुझे कभी ऐसा प्रटेंड नहीं होने दिया और हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहती थी, ये करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो. मतलब इतना मुझे चीज़ें देखने में अच्छा लगता था कि हाँ मैं एक इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और मुझे लोग बोलते हैं कि यार हर्ष ऐसा करो और ऐसा करो. इट्स अ बिग थिंग. थैंक यू सो मच, गुड लक. थैंक यू. स्पेशली किस तरह के कॉम्प्लीमेंट दिया कि बिकॉज़ आज के साथ आप इतने देर से काम कर रहे हैं. हाँ जी. मैं तो थिएटर करता था, उसके बाद राजीव के साथ 9 साल से काम किया है मैंने, और जो भी उनकी बदौलत हूँ काफ़ी कुछ सीखा है उनसे, और बहुत कोशिश करता हूँ कि जो भी उनसे सीखा है वो ट्रांसलेट करूँ फिल्म में. उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ऑलरेडी रॉ फुटेज देखी, किस तरह की लाइक कॉम्प्लीमेंट उनकी तरफ से आए हैं? जैसे ही रॉ, पहला तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे परफॉर्मर बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि रॉ फुटेज में आपको स्टोरी तो पता चलता नहीं है. उसका जब मैंने उनको ब्रीफ बताया तो ही वॉज वेरी हैप्पी. वो तो पहले से, जब मैंने उनको शुरुआत में ही बोला था, ब्रीफ बताया था, तो खुश थे वो. तो रॉ फुटेज देखने के बाद बहुत खुश हुए थे. रियल लोकेशन पे शूट करना बहुत इजी भी होता है, टफ होता है, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? देखो अभी तो क्या है कि अभी तो रियल लोकेशन पे काफी शूट हो रहे हैं, पहले तो फिल्म सेट पे शूट होते थे ज्यादातर, लेकिन अभी रियल लोकेशन पे काफी शूट हो रहे हैं और ऑथेंटिक लुक मिलता है. और मेरी फिल्म जो थी वो तो रियल लोकेशन का डिमांड था, हम लोग कोल्हापुर में गए थे और रियल लोकेशन पे शूट किया. नहीं, थोड़ा सा चूंकि मैं थिएटर डायरेक्टर रह चुका हूँ तो एक्टर को हैंडल करना उतना था नहीं, और एक्टर जितने भी थे सब इतने, इनके साथ में सोहा को छोड़ के और सीमा जी को छोड़ के बाकी सबके साथ मैंने 3 फिल्में जो हल्ला बोल और अजब प्रेम की गजब कहानी और पटा पोस्टर में चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो मैं उसमें उनके साथ काम कर चुका हूँ. सोहा के साथ तो बहुत अच्छा लगा काम करके, बहुत ही अच्छी है. सीमा जी का तो बात ही नहीं करना, बहुत ही उनसे सीखने को मिलता है. हाँ, इसका स्ट्रांग पॉइंट ये है कि आप एक यू नो बच्चों के लिए, और जो इतना बड़ा समस्या है ये चाइल्ड अब्यूज, उनको एक इतना उसको उसके लिए उसके ऊपर कोई फिल्म बनी नहीं है, और मैंने वो फिल्म बनाई है, रिसर्च करके बनाई है, और फिल्म बहुत ही हार्ड हिटिंग वे में बनाई है. मतलब 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा, तो वो एक मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा, और साथ में एक बहुत ही असरदार शॉक छोड़ के जाता है लास्ट में. थैंक यू. थैंक यू. ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. सो व्हेन यू अप्रोच्ड विद द स्क्रिप्ट, वाज द इंस्टेंट
boom of the boom. The instant reaction was I was a bit wary because I thought this subject with no male actor, a subject that is about children and child labor, child education, how commercial will it be? And by commercial, I mean that any film should have an entertainment quotient. So it should appeal to the audience. It shouldn't be like a documentary or dry. So I thought that this film might be that. So initially, I was a little wary. When I read the script, which I read in the same day, the fact that I read it from start to finish and the fact that it was entertaining, there was action, there was a thrill element, there were songs, there's emotions, I felt that, you know, it is risky because, again, it's just me and there's no huge star cast, there's no hero in this film. So, of course, it's a risk, but it's something, it's the kind of film that I would like to be a part of. So you felt a hero I would like to say that the script is the hero of the film because that takes the pressure off me. Yeah. So when you director, like first time director, how much easy were you with first time director? Main actually first time directors ke saath kafi kaam kar chuki hoon. Lekin Manish ji mein jo confidence mujhe dikhi, I think obviously bahut experience hai unka as an associate director, Raj ji ke saath, Rajkumar Santoshi ke saath bahut kaam kar chuke hain. Script ke saath bahut reh chuke hain. So he knows the script in and out, or especially because in this film there are three small children, and that requires a certain kind of skill, and he's very good with children. So I felt that he's very good, he's very capable, he's very calm on the set, because especially in your first film there's a lot of things that happen outside your control, but he's very calm, and I think that has come through. I had a good time working on the shoot. सोहा जिस तरह से प्रोमो में दिखाया गया था आप बच्चों की मदद के लिए आगे आई हैं और लास्ट में प्रोमो में दिखाया गया आपके ही हाथ में गन आ जाती है जी हाँ तो ये क्या है मतलब बचाते खुद फंस रही हैं कुछ ऐसा आई थिंक ऐसा ही कुछ है कि वो बचाना चाहती हैं बच्चों की भलाई के लिए आई हैं वहाँ पे एक स्कूल बनाने के लिए आई हैं फिर उनको पता चलता है कि इतने सारे ईवल्स हैं बच्चों को लेकर जो सोशल ईवल्स हैं वेदर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर चाइल्ड ट्रैफिकिंग यू नो चाइल्ड एजुकेशन ऑल दोज थिंग्स और वो सिस्टम हर लेवल पे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रही हैं whether it's the police force, whether it's politics, whether it's the school board, aur wo akeli ho jati hai. And of course, thoda sa desperation aa jata hai unme, bahut strength hai, kyunki akeli ladki hai, bahar se aayi hai, America se aayi hai, to bahut mushkil ho jata hai unke liye. And she's fighting. She's fighting not with guns, but she's fighting. So, jaise aapne kaha ki is posted